हेलो गाइस, कैसे हो यार। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज की इस अल्टीमेट और स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि GTA Vice City एंड्रॉइड के लिए बेस्ट क्लाउड, ये जो क्लाउड्स होंगे ये एक आप समझ सकते हो दैट आपका जो गेम है उसमें एक बहुत ज्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि ये जो क्लाउड्स है वो बिल्कुल सिमिलर है आपके GTA Vice City डेफिनेटिव एडिशन से, ठीक है, जो कि अभी नया नया आया है। एंड आप सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में, जैसा कि अभी आप गेम प्ले भी यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो क्लाउड्स है आप अपने GTA Vice City एंड्रॉइड के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एकदम रियलिस्टिक नहीं होंगे, ठीक है, मैं पहले बता दूं एकदम रियलिस्टिक नहीं होंगे, लेकिन हाँ आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस वहां पे प्रोवाइड कर देगा वो वाला मोड, जिससे आपको लगेगा कि दैट आप GTA Vice City को एक रियलिस्टिक मोड इंस्टॉल करके खेल रहे हो और बहुत ज्यादा ऑसम वो आपको लगने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन बताने वाला हूँ उसका, और उसके साथ में इसका गेम प्ले बताने वाला हूँ। लास्ट में आपको पूरा गेम प्ले देखने के लिए मिल जाएगा दैट कैसा है ये मोड, किसा दिखता है ये, और क्या क्या आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। सो वो सभी चीजें लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दैट मैं अभी देख रहा हूँ काफी लोग वीडियोस देख रहे हैं, व्यूज रेगुलर आ रहे हैं, रैंडम व्यूज रोज आ रहे हैं, न्यू व्यूज रोज आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है दैट जो भी बंदा वीडियो नया देखता है, जो भी बंदा आता है नया नया चैनल पे, वो यार वीडियो देख के चला जाता है, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही कोई कमेंट, ना ही कोई रिस्पॉन्स और ना ही कोई लाइक, ठीक है, कुछ भी नहीं करते, सीधा यार आके वीडियो देख के चले जाते हैं, मोड इंस्टॉल करके और डाउनलोड करके और चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मत करो यार, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीडियोस को बनाने में मेहनत होती है, आपको पता है। तो उस सिचुएशन में यार अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो और आप ओनली वीडियो देख के चले जाते हो तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है और बहुत ज़्यादा बाद में बुरा लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी और उसका हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो प्लीज़ एटलीस्ट रिस्पॉन्स ज़रूर दे के जाओ, सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आपको फ्यूचर में भी और बेनिफिट मिले एंड मुझे भी बेनिफिट मिले, बिकॉज आपको पता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग में और कंटेंट वगैरह में, और एग्ज़ाम चल भी रहे उसके बावजूद भी मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो यार आप लोग जब सपोर्ट नहीं देते तो बुरा लगता है, समझ रहे हो, तो इसलिए प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड हम वीडियो को शुरू करेंगे। ज़्यादा लंबी मैं इस वीडियो को नहीं लूँगा, छोटी वीडियो होगी, एक बार पूरी देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा दैट कैसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या चीज़ें क्या क्या कैसे करनी है, ठीक है। सो चलते हैं इंस्टॉलेशन की ओर, सो लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है, जहाँ पे आप देख सकती हो GTA स्काई बॉक्स को एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, पासवर्ड आपसे पूछेगा, पासवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड लिखने के बाद में ओके करेंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, आफ्टर एक्सट्रैक्ट एक फोल्डर मिल जाएगा, ओपन करेंगे, तीन फोल्डर मिलेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना आपको यहाँ पे तीन फोल्डर मिलेंगे, एक होगा आपका डेटा का और एक होगा GTA 3 का और एक होगा कंप्रेस्ड का, अनकंप्रेस्ड का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपको सेकंड फोल्डर है ये आपको GTA IMG के अंदर जो है इंपोर्ट करना है, ठीक है। और ये जो फोल्डर आप देख पा रहे हो ना अनकंप्रेस्ड 32 PB, ये आपको जो है TXT फोल्डर के अंदर इंपोर्ट करना है, और इन दोनों के जो इंस्टॉलेशन है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टॉलेशन करके, उस वीडियो पे आप जाके रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहां से आप जो है इंस्टॉलेशन वॉच कर सकते हो। इन दोनों के इंस्टॉलेशन मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, इसका रीजन ये है क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं और इनको अगर मैं अपने वीडियो के अंदर शामिल करता हूं तो उससे मुझे 8 सुटेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है यूट्यूब से। सो इसलिए इन दोनों का जो इंस्टॉलेशन रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए जो डाटा फाइल है ओनली इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कहाँ पे पेस्ट करेंगे वो देखो, हम सिंपली इस डाटा फोल्डर को यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके इसको कट या कॉपी जो करना है कर लो, कॉपी करते हैं, देन उसके बाद में डिवाइस मेमोरी जाते हैं, उसके बाद में एंड्रॉइड में जाते हैं, देन डेटा में जाते हैं एंड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे com.rockstargames.gta.vc का फोल्डर, यहाँ पे फाइंड आउट करने के बाद में यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे ओके, देन उसके बाद में इसको ओपन करेंगे, फाइल्स में जाएंगे एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट, पेस्ट कर दिया एंड दैट्स इट, हो गया एंड गेम ओपन करो। यहाँ पे मैं न्यू गेम ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये थोड़ा कंप्लीट हो जाता है देन आप स्काई बॉक्स पे थोड़ी नज़र डालना, यहाँ पे जो है आपको क्लाउड्स क्लियरली देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे इसको मैं ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकता, बिकॉज आपको पता है GTA Vice City में ऐसा है कि अपन मूव नहीं कर सकते, तो मैं आपको अलग एंगल से दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दैट किस तरीके से जो है हमारे क्लाउड्स हमको विजिबल हो रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस हमको यहाँ पे मिल रहा है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लग रहा है। और अलग अलग वेदर के अंदर आप इसको ट्राई कर सकते हो जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा दैट कैसा एक्सपीरियंस हमको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा और क्या क्या चीज़ें जो है हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी और ये कैसा लुक में लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है अगर आपका वेदर एकदम क्लियर होगा, उस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे विजिबल करोगे अपने क्लाउड्स को
आपको तो बहुत ज्यादा ही अल्टीमेट लगेगा आपको, और आप जो है बार बार वेदर चेंज करके इसको और अच्छे से ट्राई कर सकते हो। सो गाइज एज यू कैन सी दैट यहाँ पे मैंने अभी बिल्कुल रात कर दी है, नाइट में यहाँ पे आप देख सकते हो दैट किस तरीके से विजिबल होता है। स्काई बॉक्स थोड़ा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्काई बॉक्स वाली पूरी अच्छे से फीलिंग आ रही होगी दैट क्या क्या चीजें है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो आपको इस वेदर में अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे दैट जितने भी क्लाउड्स है वो बहुत अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। यहाँ पे अब आप अच्छे से क्लियरली देख सकते हो दैट कैसे हमारे जो स्काई बॉक्स है वो लगता है, यहाँ पे जो क्लाउड्स है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे फीलिंग हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज आई होप दैट आपने इस वीडियो को पसंद किया एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला दैट सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं जो न्यू व्यूवर्स आते हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आपका क्या सजेशन है लाइक मुझे कौन सा मोड नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करना चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करो एंड मैं आपकी कमेंट जरूर पढ़ता ही हूँ, सभी के कमेंट पढ़ता हूँ मैं, तो उनमें से मैं एक कमेंट पिक करके उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सजेशंस की नीड रहती है। सो दैट्स व्हाई कि आप ये चीज करना मत भूलना। बाय द वे थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बाय।